फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? इफ यू न्यू हेयर एंड वॉचिंग मी फर्स्ट टाइम, देन आई टेल यू आई एम मनीषा एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ ओरिफ्लेम ब्रांड का दी वन इल्यू स्किन कंसीलर। तो आज मैं आपको इसके बारे में पूरी डिटेल में बताऊंगी, ये कैसे वर्क करता है और इसका क्या पिगमेंटेशन है, मैं आपको सब कुछ डिटेल में बताऊंगी। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये कुछ इस तरीके की कार्डबोर्ड की पैकेजिंग में आती है और ये ट्यूब में है। इसकी ट्यूब साइज़ मैंने परचेज़ की है और ये ओरिफ्लेम ब्रांड, काफ़ी आप लोगों ने नाम भी सुना होगा, काफ़ी जाना माना ब्रांड है, बहुत अच्छा ब्रांड होता है। तो ये इसकी कुछ इस तरीके की बहुत पतली सी नीव है जिससे आप इजीली अपने कंसीलर को डायरेक्ट उस प्लेस पे अप्लाई कर सकते हो जहाँ आपको कंसीलर लगाना है। कंसीलर का यूज़ हम जनरली इसीलिए करते हैं ताकि हमारे फेस पे जितने भी डार्क सर्कल्स हों, डार्क स्पॉट्स हों, ब्लेमिशेज हो, वो सब हाइड हो जाए। और इसकी कवरेज अच्छी है और ये काफ़ी लॉन्ग स्टे भी करता है और ये स्मूथली ब्लेंड हो जाता है। आप इसे फाउंडेशन के जैसे भी यूज कर सकते हैं और इसका पिगमेंटेशन बहुत अच्छा है। ये फुल कवरेज कंसीलर है, आप सिर्फ इसके साथ ही पूरे फेस का मेकअप कर सकते हो। तो मैंने कुछ इस तरीके से अप्लाई करके ब्यूटी ब्लेंडर से इसको ब्लेंड कर लिया है। तो ये है ओरिफ्लेम ब्रांड का द वन इल्यू स्किन कंसीलर। इसमें आपको 3 शेड मिल जाएंगे, फेयर लाइट, न्यूड पिंक एंड न्यूड बेज। तो मेरा स्किन टोन फेयर है इसलिए मैंने फेयर लाइट लिया है, मीडियम स्किन के लिए न्यूड पिंक है एंड डार्क स्किन के लिए न्यूड बेज है। तो इसमें मैंने फेयर लाइट स्किन लिया है। अब आते हैं, बात करते हैं इसकी क्वांटिटी की। तो ये 10 ml क्वांटिटी इसको मिल जाती है आपको और इसका प्राइस है 499, बट आपको हमेशा ये डिस्काउंट में मिल जाएगी। डिस्काउंट प्राइस इसका 349 प्लस 5% डिस्काउंट में भी आपको मिल जाएगी। अगर आप रीसेलर से डायरेक्ट परचेज करते हो तो वो आपको 5% डिस्काउंट दे देंगे। अब इसमें इंग्रेडिएंट की बात करते हैं, तो इसमें बहुत अच्छे अच्छे इंग्रेडिएंट इंक्लूड हैं, जैसे कि इसमें है कैस्टर ऑयल जो कि काफ़ी बेनिफिशियल होता है आइज़ के, डार्क स्पॉट्स के लिए एंड डार्क सर्कल्स के लिए। तो इसमें कैस्टर ऑयल है और इसमें है पॉलीग्लिसरीन है जो ये भी काफ़ी अच्छा है, आपके स्किन को नरिश करता है। और इसमें बहुत अच्छे अच्छे इंग्रेडिएंट ऐड किए गए हैं, सोडियम क्लोराइड भी आपको मिल जाएगा और ये हाइड्रोजेनेटेड है तो ये आपके स्किन पे कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं करेगा। और ये बहुत अच्छा कंसीलर है, आप देख सकते हो मैंने अपने फेस पे अप्लाई किया है तो ये लाइक अ फाउंडेशन वर्क कर रहा है और इसका पिगमेंटेशन बहुत अच्छा है, फुल कवरेज कंसीलर है। तो मैंने कुछ इस तरीके से अपने फेस पे अप्लाई कर लिया है, जहाँ जहाँ मुझे कंसील की ज़रूरत होती है मैंने वहाँ वहाँ इसको अप्लाई किया है। मैंने पहले से अपने फेस पे फाउंडेशन लगा रखा था, फाउंडेशन के ऊपर मैं कंसीलर अप्लाई कर रही हूँ। आप अगर आपका फाउंडेशन लाइट वेट फाउंडेशन है तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। आप अगर आपका फाउंडेशन लाइट वेट है तो आप इसको फाउंडेशन लगाने से पहले यूज़ कर लीजिए, बट अगर आपका फाउंडेशन फुल कवरेज का है तो आप इसको फाउंडेशन के बाद भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरीके का फिनिशिंग आया है मेरे फेस पे और ये बहुत अच्छा लगा मुझे। तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगी कि आप ये परचेज करो, बट ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, मैं कोई ब्रांड का ऐड नहीं कर रही हूँ, बट मुझे इसकी कवरेज अच्छी लगी तो मैंने आप सबके साथ इसे शेयर किया है। तो ये था मेरा कंसीलर का रिव्यू, आई होप आप सबको पसंद आया होगा। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। और मैं मनीषा मिलती हूँ आप सबसे एक और नए वीडियो के साथ। मैं इसी तरह के प्रोडक्ट रिव्यू एंड मेकअप लुक्स अपने चैनल पर अपलोड करती रहती हूँ, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। तो मैं मनीषा मिलती हूँ आप सबसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।